खबर शिवपुरी जिले के वैराट से है, जहां आज वैराट नगर के वैराट गांव के प्रसिद्ध केला वाले हनुमान मंदिर पर आज सुबह से ही विशाल मेला एवं भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया। केला वाले हनुमान का विशाल मेला लगातार कई वर्षों से लगता आ रहा है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी केला वाले हनुमान मंदिर पर कुश्ती, दंगल एवं नाल उठाने का आयोजन किया गया। ये प्रसिद्ध मेला हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही रखा जाता है और सभी भक्तोंगणों, पहलवानों, दुकानदारों, संगीत प्रेमियों ने मेले के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मेले में विजयी पहलवानों को नगर परिषद अध्यक्ष वैराट मालती लक्ष्मण सिंह रावत ने पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान वैराट पुलिस भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि वैराट पुलिस के द्वारा केला वाले हनुमान मंदिर पर मेले में पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई कि जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की भली भांति निभाया गया। दंगल कुश्ती में भाग ले रहे प्रतियोगिताओं को पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार भी दिया गया। मेले में लाल उठाने की प्रतियोगिता में विजय हुए ग्राम डावरपुरा के सौरभ छारी को 1,100 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और केला वाले हनुमान महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। मेला समिति ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले की कुश्ती दंगल में आगरा, झांसी, कानपुर, दिल्ली, दूर दूर से पहलवान आते हैं और अपनी प्रतियोगिताएं दिखाते हैं। समिति के द्वारा आखिरी दंगल कुश्ती के नाम 11,000 रखी गई थी। वैराट से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। केला वाले हनुमान जी के मंदिर पर जो मेले का आयोजन किया जाता है उसके संबंध में आप कुछ जानकारी, क्या जानकारी देना चाहेंगे? श्री केला वाले हनुमान जी के दरबार में कई सालों से मेला लगता आ रहा है। सभी ग्रामवासियों का, सभी भक्तगणों का सहयोग रहता है। दूर दूर से पहलवान आते हैं, आगरा से, झांसी से, कानपुर से, दिल्ली से, और सभी कमेटी के द्वारा इनाम रखी जाती है, कुश्ती लड़ाई जाती है और जो इनाम रखी जाती है वो कुश्ती। आपने इस मेले में आखिरी इनाम कितने तक की रखी? 11,000। तो कितनी, मतलब, और पहली कितनी कुश्ती हुई थी? 3100 की। और कोई नाल वगैरह उठाने का भी कोई प्रोग्राम रखा था उसकी? 15 किलो का एक कुंडल, 15 किलो का था। सौरभ चारी ने उठाया, वो टोरिया, उसका इनाम कितना था? 1100। इसके बाद प्रोग्राम है यहाँ पे रात्रि जागरण सुंदरकांड 7 बजे से, उसके बाद में झांकियों का प्रोग्राम है रात्रि 10 बजे से, रात्रि में 3 बजे संध्या का। बढ़िया अच्छा कार्यक्रम है, सभी ग्रामवासियों का, सभी मित्र मंडलियों का सहयोग रहता है।